नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरी चैनल लंबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। ईडी ने कांग्रेस के सीनियर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को दो ईमेल किए थे और उन्हें ये कहा था कि यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में वो मौजूद रहे। आज जब ईडी की टीम फिर से नेशनल हेड पहुंचती है तो वहां उन्हें मल्लिकार्जुन करके नहीं मिलते हैं। उनका वहाँ उनको बुलाने का मकसद था कि मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में ही तलाशी होगी। फिलहाल हेरल्ड हाउस ऑफिस में किसी को घुसने नहीं दिया जा रहा, केवल पासपोर्ट ऑफिस के लोगों की ही अपॉइंटमेंट पर्ची देख करके अंदर जाने दिया जा रहा है। इससे पहले ईडी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को आज दोपहर 12:30 बजे यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के हेरल्ड हाउस में मौजूद रहने को कहा था। खड़गे को समन इसलिए दिया गया था क्योंकि वह यंग इंडियन के प्रमुख पदाधिकारी हैं। इसको लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज राज्यसभा में ये कहा कि मुझे ईडी का समन मिला है, उन्होंने मुझे दोपहर 12:30 बजे बुलाया है, कानून का पालन मैं करना चाहता हूँ, लेकिन जब संसद सत्र चल रहा है तो क्या उनके लिए सम्मान करना सही है? ये उन्होंने सवाल उठाया। क्या पुलिस के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आवासों का घेराव करना सही है? फिर उन्होंने इसमें जोड़ा कि हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। एक बात और है, हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे, तो फिर वो 12:30 बजे वहाँ क्यों नहीं पहुँचे? खैर, ये भी देखी जाएगी। मैं आपको बता दूँ कि प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार रात को नई दिल्ली में कांग्रेस के स्वामित्व वाले नेशनल हेराल्ड अखबार के कार्यालय में छापेमारी की थी, जिसके बाद यंग इंडियन के ऑफिस को सील कर दिया गया था। यंग इंडियन नेशनल हेराल्ड अखबार का मालिक है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में एक दर्जन स्थानों पर छापे मारे थे और ईडी ने इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके सांसद बेटे राहुल गांधी और कई नेताओं से पूछताछ भी की है। सोनिया गांधी से पिछले महीने 3 राउंड यानी कि 11 घंटे से अधिक समय की पूछताछ की गई थी। वहीं राहुल गांधी से जून के महीने में 5 दिनों में लगभग 50 घंटे से अधिक की पूछताछ की गई थी। और सबसे खास बात यह है कि जब पूछताछ हो रही थी तो देश भर में कांग्रेस के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, यानी कि पूरी कांग्रेस ने जगह जगह देश में प्रदर्शन किए थे, जिससे वरिष्ठ नेता ईडी की कार्रवाई की उन्होंने जम के निंदा की थी, सड़कों पे उतर आए थे। लेकिन कार्रवाई रुकी नहीं, कार्रवाई चलती रही और आज फिर एक बार जब उन्हें ईडी ने कांग्रेस के सीनियर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया था ईमेल के द्वारा, तो वहाँ वो पहुँचे नहीं। उन्होंने कह दिया कि इस समय राज्यसभा में हूँ मैं और इसका सत्र चल रहा है, इसलिए मैं नहीं पहुँच सकता। तो दोस्तों, अभी अभी बच रहे हैं, लेकिन कितने दिन, कितने समय, कितने लोग बच पाएंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों निशाने पर हैं ईडी के, इतना तो सबको समझ में आ रहा है। दोस्तों, फिलहाल इतना ही। आपसे मैं फिर मिलती हूँ किसी और कंटेंट के साथ। आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा। आप पहली बार अगर मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, अपने लोगों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।